हेलो बच्चों, आज की कहानी है एडी का खरगोश। एडी एक प्यारा सा बच्चा था जिसके पास में एक बक्सा होता था और उस बक्से में वो अपने सारे खिलौने रखा करता था। जब वो छोटा था तो उसके पास एक प्यारा सा खरगोश खिलौना होता था जिसका नाम उसने रखा बनी। वो उसे बनी रैबिट बुलाता था। उसके पास एक हॉर्सी था, उस हॉर्सी को वो रिकी हॉर्सी बुलाता था। उसके पास एक जीआई जो था, उसके पास एक मिकी था, उसके पास जीप थी। ऐसे कुछ टॉयज उसके थे, खिलौने जिनको वो बॉक्स में संभाल के रखता था, उनसे खेलता था और फिर वापस रख देता था। कुछ सालों में जैसे जैसे एडी बड़ा होता गया, उसने क्या किया, नए नए टॉयज को भी संभालना शुरू कर दिया। वो उसी बॉक्स में रखता था वो टॉयज को। अब जो नए टॉयज पुराने टॉयज के ऊपर आ गए तो पुराने वाले खिलौने नीचे दब गए। एक रात को उस बंद बक्से के अंदर हॉर्सी और बनी रैबिट ने बातें शुरू कर। बनी रैबिट ने बोला, हॉर्सी रिकी, तुम्हें नहीं लगता कि अब तो हमें एडी भूल गया है? एडी हमसे कभी खेलता नहीं है, हमें बॉक्स से बाहर नहीं निकालता, हमारे को कहीं भी नहीं लेके जाता खिलौनों के साथ में खेलते टाइम पर। हम अकेले इस बॉक्स में पड़े रहते हैं क्योंकि हम पुराने हो गए हैं, इसलिए एडी हमको ऐसे करता है। तो हंसने लग गया हॉर्सी, बोला, हाँ तुमको पता है आजकल के नए नए टॉयज से एडी कितना खुश होता है, जब उसमें चाबी लगाता है और वो भागती है गाड़ी, जब वो चाबी लगाता है एरोप्लेन उड़ने लग जाता है, वो फिर कुछ रिमोट चलाता है तो वो गाना गाने लग जाते हैं, उसके टॉयज बातें करते हैं, तो उसको ऐसी वाली चीजें अच्छी लगती हैं। अब तो उसके पास एक डॉगी भी आ गया है, वो डॉगी उसके साथ भागता है, ऊपर चढ़ता है, खेलता है, बिस्तर में घूमता है, मजे करते हैं दोनों। तो अब तो उसके पास इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उसे हमारी जरूरत ही नहीं है। जो डॉगी या जो टॉयज हिलते डुलते हैं, बातचीत करते हैं, जिनमें जान होती है, वो वाले टॉयज अच्छे लगते हैं एडी को आजकल। तो अब हमें तो ऐसे बक्से में बंद ही रहना पड़ेगा। खरगोश को बहुत दुख हुआ कि अब बस मैं बंद ही रहूंगा हमेशा इस बॉक्स में। थोड़े दिन में एडी बीमार पड़ गया और वो बिस्तरे पे लेटा रहता सारा दिन। डॉक्टर ने बोला कि उसको उठना नहीं है, आराम करना है, दवाई खानी है, जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता। उसका बुखार बहुत तेज था। मम्मी पापा ने भी बोला कि तुम्हारे टॉयज हम तुमको यहीं पे देंगे, तुम इधर बेड पे खेलोगे और उठोगे नहीं बेड से और यही आराम करोगे। और बारी बारी से जब उसको सब टॉयज दिए तो एडी को याद आ गया कि उसका वो बनी रैबिट इतना प्यारा था, इतना सॉफ्ट नरम वाइट कलर का फर था, तो एडी को वो बहुत अच्छा लगा। एडी ने मम्मी को बोला, आप इसको मेरे पास ही रखो, ये मैं अपने साथ सुलाऊंगा, इसी के साथ रात को बातचीत करूंगा, इसी के साथ खेलूंगा, ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, नरम नरम। बड़ा खुश हुआ रैबिट, कह रहे वाह मेरी बारी आ गई फिर से, मेरे साथ खेल रहा है अभी तो एडी वापस। और उसको रैबिट को ये दुख हुआ कि एडी बहुत बीमार रहा और वो कमजोर भी बहुत हो गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा दुखी हुआ रैबिट। पर वैसे मन ही मन खुश हुआ कि मेरे को वापस एडी ने बुला लिया। फिर थोड़े दिन में एडी ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब सारा इन्फेक्शन यहाँ से हटाने के लिए क्या करना है, तुमको इन सारे बेड्स को, सामानों को, हर चीज को यहाँ से दूर हटा देना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन एडी के रूम में नहीं रहना चाहिए। जब डॉक्टर की ये बात मम्मी ने सुनी तो उन्होंने वो सब चादर में खिलौने जिससे एडी खेला करता था बीमारी के दिनों में बंद करा, चोटी बांधी और बाहर गार्डन के फेंक दिया। और अपने माली भैया को बोला, माली भैया इसको दूर कहीं जला दो ताकि कोई भी इन्फेक्शन घर में नहीं आना चाहिए। और एडी वापस स्कूल जाने लग गया। एडी
वापस अपनी रूटीन में आ गया, वो फिर भूल गया रैबिट को। रैबिट पड़ा रहता था एक कोने में उसके गार्डन के पीछे। माली भी भूल गया, माली ने भी उसे नहीं जलाया। एक दिन वहाँ पर उस जिस जगह वो पड़ा हुआ था वहाँ पे एक पौधा हुआ और उस पौधे ने देखा कि ये प्यारा सा बनी रैबिट वहाँ पे लुढ़का पड़ा हुआ है कोने में। तो उस पौधे की दोस्ती हो गई रैबिट के साथ में और वो दोनों आपस में थोड़ी थोड़ी बातें करते और वो खुचला मुचला जो रैबिट था बनी रैबिट वो फिर से खुश हो गया कि चलो मुझे कोई तो फ्रेंड मिला, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, अब तो बॉक्स भी नहीं है जिसमें मैं बैठ मुझे रखा जाता है, मैं बैठता था। तो एक दिन उस पौधे के ऊपर कुछ बीज आए, कुछ मधुमक्खियाँ आई और उन्होंने देखा कि अरे इतना प्यारा सा रैबिट, इतना क्यूट सा, इतना सुंदर सा वो ऐसे कोने में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला, बीज ने बोला कि तुम्हारा क्या नाम है? तो रैबिट ने बताया कि मेरा नाम बनी खरगोश है और मैं एडी का खरगोश होता था, फिर वो बीमार हुआ तो उन्होंने बांध के मुझे घर से बाहर फेंक दिया। तो उसने बोला, जो बीज थी जो बंबलबी ने बोला कि मैं ना मधुमक्खी बोली, मैं मेरी जो रानी मधुमक्खी है ना उसके पास जादू की पावर्स हैं, वो तुम्हें सच्ची मुच्ची का रैबिट बना सकती है। मैं कल जब आऊँगा मैं रानी को भी साथ में लेके आऊँगा, मेरी क्वीन भी, और वो तुम्हें क्या बना देगी, असली का रैबिट। तो बड़ा खुश हुआ बनी, सोचो सच्ची अगर मैं असली का रैबिट बन जाऊंगा फिर तो मैं भागने दौड़ने लग जाऊंगा, जब मैं भागने दौड़ने लग जाऊंगा तो मैं आधी के घर चला जाऊंगा वापस, मैं आधी के घर चला जाऊंगा तो आधी मुझे देखे कितना खुश होगा, फिर तो आधी का पेट बन जाऊंगा मैं, हर वक्त मैं और आधी साथ रहेंगे और हम खेलेंगे। तो ये सोच के बड़ा खुश हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने रात गुजारी, सुबह होने की वेट करने लगा कि इस पौधे के ऊपर फिर से वो बी आएगी, वो रानी भी आएगी और मेरे को जान डाल देगी और मैं भागने दौड़ने लगूंगा। बड़ी मुश्किल से वेट करी उसने और फिर सुबह हो गई। जब सुबह हुई और रानी आई तो रानी ने तीन बार बोला और वो रैबिट जो पुचुर पुचुर था वो क्या बन गया, असली मस्त का रैबिट, असली का खरगोश, उसमें जान आ गई। और वो इतना खुश हुआ, उसने रानी को थैंक यू बोला और भागा घर के अंदर। अंदर जाके उसने देखा एडी अपने कंप्यूटर पे बैठा था, एडी कुछ काम कर रहा था और उसके आसपास घूमता रहा और खूब जंप करता रहा। एडी बड़ा देख के हैरान हुआ, एडी को ये कौन है, ये तो मेरा मुंह वाला टॉय लग रहा है जो बॉक्स में बंद होता था। तो उसे बड़ा मजा आया, उसने उसको गोदी में ले लिया, उसके साथ खिलाया, उसको अपना बना लिया और जोर से हाथ फेर के उसको मामा के पास लेके गया। देखो मामा, जैसा मेरा पहला टॉय था ना, जो रैबिट, जो बनी रैबिट जो टॉय हुआ करता था, वैसा ही गॉड ने मुझे एक असली का रैबिट भेज दिया है, इसको भी मैं बनी बुलाऊंगा। और वो जो टॉय बनी था वो मन ही मन हंसने लग गया। उसने सोचा, अरे भाई आदि में मालूम ही नहीं है, मैं तो वही वाला रैबिट हूँ, बट कोई बात नहीं, जब तक तुम और मैं वापस से फ्रेंड्स हैं मैं बहुत खुश हूँ। सो ये थी स्टोरी। कौन सी वाली स्टोरी? आदि की स्टोरी, उसके रैबिट की स्टोरी। दोनों ने बहुत मजे करने शुरू कर दिए। तो अब आज की स्टोरी हुई फिनिश। आप भी याद करो, कोई अगर आपने ऐसा टॉय इधर उधर फेंका है तो उसको वापस लाओ, उसको साफ करो और अपने बॉक्स में वापस डालो। अब मिनी टाइम, गुड नाइट।